नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। पूर्वी चंपारण जिले के बनकटवा प्रखंड ने मिसाल कायम कर दी है। कोरोना टीकाकरण में यह प्रखंड पूरे बिहार में नंबर वन बन गया है। आखिर यह कैसे संभव हो पाया, जी मीडिया टीम ने इसकी जमीनी हकीकत जानी। तुरही और डुगडुगी की आवाज आपके कानों तक पहुंच रही होगी। अब मस्जिद के लाउडस्पीकर से हो रहा ये ऐलान सुन लीजिए। 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग हैं उसमें एक भी व्यक्ति को बाकी नहीं छूटना है। और जो भी रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड के अनुसार बनकटवा प्रखंड सहित बिजबनी दसवीं पंचायत के सभी लोग अभी तक ले चुके हैं। उसमें कोई भी यदि छूटा फूटा हो उससे आग्रह है आप सभी लोग कोरोना का टीका सही से ले लें। अब ये जान लीजिए कि तुरही की तान हम आपको क्यों सुना रहे हैं, मस्जिद से हो रहा ऐलान आप तक क्यों पहुंचा रहे हैं। इनके पीछे पूर्वी चंपारण जिले के बनकटवा प्रखंड के नंबर एक बनने की कहानी छिपी। आज इस प्रखंड की चारों ओर चर्चा। कोरोना टीकाकरण में इस प्रखंड ने मिसाल कायम कर दी। बनकटवा प्रखंड पूरे बिहार में टीकाकरण में नंबर वन बन गया है। यह ऐसा पहला प्रखंड है जहां 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को 100% टीकाकरण हो चुका है। यह इतनी बड़ी उपलब्धि है कि सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने ट्वीट कर बनकटवा के लोगों को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया कि पूर्वी चंपारण के बनकटवा प्रखंड के 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों का 100% टीकाकरण किया गया। बिहार का यह पहला प्रखंड है जिसने टीकाकरण में 100% उपलब्धि हासिल की है। बनकटवा प्रखंड के सभी 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को मेरी शुभकामनाएं। आखिर बनकटवा ने यह उपलब्धि कैसे हासिल की, क्यों यहां टीके को लेकर अफवाहों का जोर नहीं चला, बनकटवा ने बाकी प्रखंडों को कैसे पछाड़ दिया, ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आप भी जानना चाहेंगे। जी मीडिया की टीम ने बनकटवा जाकर जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की। क्या 100% टीकाकरण महज कागजी खानापूर्ति तो नहीं है? मोतिहारी जिले का बनकटवा प्रखंड एक ऐसा प्रखंड बन के सामने आया है जो कि 100% टीकाकरण में उपलब्धि हासिल कर लिया है। देखिए इस वक्त हम खड़ा है यहाँ पे, ये बनकटवा प्रखंड का एंट्री पॉइंट है। गोविंदापुर इस गांव का नाम है और गोविंदपुर जहाँ से बनकटवा प्रखंड की शुरुआत होती है। और यहाँ पे हम कुछ ग्रामीणों से बात करते हैं कि क्या सचमुच में यहाँ पे उनका टीकाकरण हुआ भी है या फिर ये बस एक प्रशासन का कागजी घोड़ा है। यहाँ पे दुकानदार है, उनसे बात करते हैं। बाबा टीका लिए हैं जी? कोरोना का टीका लिए हैं जी? कोरोना का टीका लिया। और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। आप यही के रहने वाले हैं? क्या नाम? बनकटवा का मोहन कुमार बैठा जी। टीका लिए है एक पास। टीका एक बार लिए? अच्छा, और भी कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ का रहने वाले हैं? घोड़ासन का है। घोड़ासन बनकटवा नहीं, घोड़ासन के जी? अच्छा ठीक है, घोड़ासन के है। आपका क्या नाम है? उमेश प्रसाद। कहाँ का रहने वाले? गोविंदपुर बनकटवा प्रखंड। टीका लिए हैं? जी जी लिए हैं। यहाँ 18 वर्ष से 18+ सभी लोग समाप्त हो गए हैं, सब लोग टीकाकरण से। आप टीका ले लिए? जी जी ले लिए। चलिए टीका ले लिए। और भी लोग हैं उनसे बात करते हैं। बाबा क्या नाम है आपका? शहीद अंसारी। कहाँ घर है? बनझूला। बनकटवा नहीं घर है? ना, जी ना। बनकटवा प्रखंड के आप नहीं है? ना। अच्छा, बनकटवा प्रखंड के। इन्हें क्या नाम है आपका? सरोज कुमार मेरा नाम है। कितना उम्र है? 27 साल मेरा हो रहा है। टीका लिए हैं? जी टीका ले लिए हैं। टीका लिए। आपका क्या नाम है, कहाँ घर है? मनोज जायसवाल, गोविंदपुर बनकटवा प्रखंड में पड़ता है। टीका लिए हैं? जी ले लिए हैं। क्या नाम है बाबा? भोला मियाँ। कहाँ घर? गोविंदपुर तेवाई टोला। टीका लिए हैं कोरोना का? हाँ लिए हैं। तो देखिए यहाँ पे जो लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, उनका कहना है कि वो लोग टीका ले लिए हैं। तो जो हम लोग ये ब्लॉक में जो एंट्री पॉइंट है यहाँ का बनकटवा प्रखंड का जो एंट्री पॉइंट गोविंदपुर जो गांव है यहाँ पे
जिन लोगों से बात हुई है सब लोग जो बनकटवा के हैं उन लोगों का कहना है कि उन लोगों ने टीका ले लिया। एक दो लोग जो घोरा सहन के हैं बगल का प्रखंड है तो वहां पर उन लोगों ने टीका नहीं लिया, लेकिन बनकटवा के लोगों ने टीका ले लिया। तो आगे भी हम चलेंगे, अब उस गाँव में जाएंगे, अंदर गाँव में जाएंगे, गाँव में खेत खलिहानों में जाएंगे और वहां पर लोगों से बात करेंगे कि क्या सचमुच में टीका उन लोगों ने ले लिया है, शत प्रतिशत टीका यहाँ पे लोगों को पड़ गया है या फिर ये प्रशासन की कागजी घोरा है। और अगर शत प्रतिशत टीका पड़ गया है तो फिर ये टीकाकरण कैसे सफलता को हासिल किया, कैसे किन लोगों की सहभागिता रही, कैसे ये संभव हो पाया, प्रशासन के कितना मेहनत, सामाजिक लोगों की कितनी मेहनत, जनप्रतिनिधियों की कितना मेहनत, ये तमाम तरह की मेहनत को भी आगे हम आपको दिखाएंगे। नेपाल की सीमा से सटा ये इलाका है। बनकटवा प्रखंड की आबादी 116,000 है। बिहार के दूसरे गांवों की तरह ही यहां कच्ची पक्की सड़कें हैं। बच्चे अपने खेल में मस्त दिखते हैं, लेकिन टीकाकरण ने इस गांव को खास बना दिया। कोरोना को टक्कर देने के लिए टीकाकरण की मुहिम जब छिड़ी तो गांव की गलियों में तुरही और डुगडुगी की आवाज गूंजने लगी। मस्जिद से ऐलान किया जाने लगा ताकि वैक्सीन से कोई भी वंचित न रह जाए। सरकारी महकमा कितना सजग है इसकी बानगी आपको बनकटवा के 100% टीकाकरण में दिख जाएगी। डीएम शीर्षत कपिल अशोक के निर्देश पर जिले भर में टीकाकरण में तेजी लाई गई। इस बीच बनकटवा प्रखंड के बिजबनी दक्षिणी पंचायत ने 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया। फिर क्या था, जिला प्रशासन की निगाह पूरे प्रखंड पर टिक गई। डीएम ने प्रखंड का दौरा किया और एसडीएम ज्ञान प्रकाश को 100% टीकाकरण का जिम्मा सौंपा गया। फिर मुहिम कैसे आगे बढ़ी इन बिंदुओं में समझिए। टीकाकरण की मुहिम में कई टोलियां लगाई गई। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, जीविका दीदी, आशा कार्यकर्ता, पीडीएस डीलर और जनप्रतिनिधि जोड़े गए। हर धर्म के खास लोगों का समूह बनाया गया। तुरही डुगडुगी से मुनादी के साथ मस्जिद से ऐलान किया जाने लगा। बनकटवा प्रखंड में हर रोज एसडीएम की अगुवाई में सरकारी कर्मचारियों की टोली लोगों को टीके लगवाने के लिए समझाने लगी तो महिलाओं की टोली हर घर जाकर महिलाओं और बुजुर्गों को समझाने लगी। टीके को लेकर खास समुदाय के संशय को दूर करने के लिए वार्ड पार्षद गुनिया खातून और मस्जिद के मौलाना ने कमान संभाली। घर से खेत खलिहान तक लोगों को टीके की जरूरत समझाई गई। इलेक्शन मोड की तरह ये मुहिम चली। गांव के लोगों को जीतना ही था और आज बनकटवा प्रखंड नंबर 1 बन चुका है। देखिए मोतिहारी का जो बनकटवा प्रखंड है वो पूर्ण रूप से 100% वैक्सीनेट कैसे हुआ उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए मेरे दाहिने तरफ आप देख लीजिए, यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि हैं वो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ पे साथ में एसडीएम है, सिकरहना के एसडीएम है, यानी कि प्रशासनिक वर्ग के अधिकारी मौजूद हैं, पैक्स अध्यक्ष हैं, शेखौना गाँव के जो मौलवी साहब जिन्होंने बहुत अच्छा अहम रोल निभाया था मुस्लिम समुदाय के लोगों को वैक्सीनेट करने में, जागरूक करने में। और यहाँ पे जो ये तस्वीर है, ये तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है कि किस स्तर पे यहाँ पे मेहनत हुआ था। यहाँ के एसडीएम है उनसे बात करते हैं। सर यहाँ पे जो 100% जो ये बनकटवा प्रखंड बताया जा रहा है बिहार का, ये पहला प्रखंड है जो 100% वैक्सीनेट हुआ है। मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री ने आप लोगों को बधाई भी दिया, तो ये कैसे संभव हो पाया? ये इसमें है कि सबसे पहले हम लोग जो भी बनकटवा प्रखंड के जो पंचायत प्रतिनिधि है सभी पंचायत प्रतिनिधि का हमने मीटिंग किया और उन लोगों को बता दिया गया है कि लॉकडाउन जब भी होगा टेम्पोररी उपाय है। ठीक है कि लॉकडाउन के पहले जस्ट जितना मरीजों की संख्या बढ़ रही थी तो लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन जब समाप्त हो रहा है तो टीकाकरण ही उसमें सबसे बेस्ट उपाय है जिससे हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं। तो सभी को हम लोग कार्य क्षेत्र बांट दिए, जो हमारे पीडीएस डीलर है, आंगनबाड़ी सेविका है, जो जीविका ग्रुप है, तो उन लोगों को टारगेट दे दिया गया था। जैसे पीडीएस डीलर है उसके जितने लाभुक हैं उन लोगों को अलग से पंजी संधारित के लिए बोल दिया गया कि अगर लाभुक आपका टीकाकृत रहेगा तो वो भी सुरक्षित रहेगा और आप भी सुरक्षित रहिएगा। आंगनबाड़ी सेविका को बोल दिया गया कि जो भी उसके लाभान्वित बच्चे हैं उनके अभिभावकों की मीटिंग करना है और सारे अभिभावक जो 18+ हैं उनके घर में हैं उनका टीकाकरण कराना सुनिश्चित करेंगे। उसी तरह जो हमारा जीविका दीदियाँ हैं और जो हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप बना हुआ है उनको भी निर्देश दिया गया था कि SHG के कोई भी मेंबर जो 18+ के हैं वह बिना टीका के नहीं रहेंगे। यही एक बचाव का सबसे बेहतर विकल्प है, यही बचाव का सबसे बेहतर विकल्प। यहाँ के जनप्रतिनिधि दक्षिणी बिजबनी पंचायत के मुखिया हैं जिन्होंने यहाँ पे एक स्लोगन दिया था कि पहले टीका फिर कोई काम, यानी कि जो चुनाव का जो तर्ज होता है पहले मतदान फिर जलपान, वैसी रणनीति पे यहाँ पे दसवीं पंचायत को, ये बिजवानी पंचायत को पूर्ण रूप से वैक्सीनेट किया गया और फिर इससे प्रेरणा लेके प्रखंड को वैक्सीनेट किया गया। यहाँ के मुखिया है, स्थानीय मुखिया दसवीं पंचायत, उनसे बात करते हैं। आपका पंचायत सबसे पहले पूर्ण रूप से 100% वैक्सीनेट हुआ, उसके बाद फिर ये प्रखंड बना, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। हमारे पंचायत में तो
जितने भी जनता लोग थे वो लोग पहले हम लोग मीटिंग करके बात किए और कहें तो बोले कि मुखिया जी पहले हम लोग टीका लेंगे उसके बाद में तब काम पर जाएंगे। हर आदमी धीरे 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 कर सुई ले लिया और पूरा 100% मतलब हम लोग को पूरा हो गया। तो देखिए ये तस्वीर है ये बनकटवा प्रखंड का जहाँ पे 100% वैक्सीनेशन कर लिया गया, और इसे पीछे की जो वजह है जो हकीकत है आखिर एक सफलता कैसे मिला तो जनप्रतिनिधि हर समुदाय के लोग, यहाँ तक कि सबसे दिलचस्प तस्वीर जो यहाँ हमें देखने को मिला, यहाँ पे मस्जिद से बाकायदा अनाउंसमेंट किया गया। एक महिला वार्ड सदस्य थी, मुस्लिम महिला वार्ड सदस्य, उन्होंने पहल करके अपने वार्ड के हर महिलाओं को पुरुष को घर से बाहर निकाला और उन्हें वैक्सीनेट करवाया। तो कुल मिलाकर के ये जो आज जो दसरी पंचायत माफ कीजिए बनकटवा प्रखंड जो पूर्ण रूप से वैक्सीनेट हुआ है, इसके पीछे का जो वजह है ना सिर्फ प्रशासनिक मेहनत बल्कि जनप्रतिनिधि और हर समुदाय के लोगों के सहभागिता की वजह से आज ये बनकठुआ प्रखंड कोरोना के खिलाफ जंग में कम से कम फिलहाल पहले चरण का टीकाकरण करके तो जीत ही गया है, जिसको लेकर के स्वास्थ्य मंत्री से लेकर के अन्य लोग बधाई संदेश भी देने लगे हैं। डीएम शीर्षत कपिल अशोक गांव की गलियों में घूमकर इस मुहिम को सफल बनाने के लिए लोगों का आभार जता रहे हैं, साथ ही दूसरी खुराक में भी अव्वल बनाने की गुजारिश कर रहे हैं। पूर्वी चंपारण जिले के बनकटवा प्रखंड का पूर्ण वैक्सीनेट हो जाने के बाद यहाँ के मोतिहारी के डीएम हैं शीर्षत कपिल अशोक, जो कि यहाँ के बनकटवा प्रखंड के गांव में गलियों में घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और एक तरह से ये एक आभार यात्रा है जो कि निकाल रहे हैं और लोगों से आभार व्यक्त कर रहे हैं, लोगों का धन्यवाद व्यक्त कर रहे हैं। मैं बता दूँ बनकटवा प्रखंड पूर्ण रूप से वैक्सीनेट होने वाला बिहार का पहला प्रखंड है। सबसे पहले मोतिहारी के डीएम यहाँ पहुंचे थे, तब इन्होंने यहाँ पदयात्रा किया था, लोगों को जागरूक किया था, उसके बाद सिकरहना अनुमंडल के एसडीएम ने कमान संभाला था और कमान संभालने के बाद ये पूर्ण रूप से वैक्सीनेट हुआ था। यहाँ के डीएम उनसे बात करते हैं, सर हमने देखा था कि आप यहाँ सुबह पहले दिन आए थे, फिर आपने सिकरहना एसडीएम को कमान संभाला, उसके बाद उनके नेतृत्व में पूरा प्रखंड वैक्सीनेट हुआ, ये काफी गौरव की बात है पूर्वी चंपारण जिला के लिए, क्या कहेंगे आप? निश्चित गौरव की बात है। मैं बीजबनी के पंचायत के सभी ग्रामवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सबसे पहले पंचायत है कि जो अपने आप को वैक्सीनेट किया, और उसके बाद बनकटवा जो ब्लॉक है बीजबनी पंचायत उसी ब्लॉक के अंतर्गत आता है, वहां के सारे ग्रामवासियों ने अपने आप को जो फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन है वो ले लिया है। और ये पूरा कार्य जो है अकेले संभव नहीं होता, इसके लिए इच्छा शक्ति की बहुत आवश्यकता होती है और सभी ग्रामवासियों ने काफ़ी सहयोग किया, और सभी स्टेक होल्डर्स वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी वर्ग के हो और किसी भी श्रेणी में आते हो इनकम के, तो ये लोगों ने यहाँ आगे आके अपना वैक्सीनेशन ले लिया है। मैं एसडीओ साहब, उसके बाद आईसीडीएस, हमारे जीविका के दीदिया के ग्रुप्स, जीविका उसके बाद हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट के जो MOIC है टीम है और जो हमारे अब पार्टनर एजेंसीज है यूनिसेफ केयर और WHO, इनके द्वारा भी जो है यहाँ पे कॉन्स्टेंटली जो है मॉनिटरिंग किया जा रहा था। और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को विशेष तौर पे धन्यवाद देना चाहेंगे हम, जो मुखिया, सरपंच, पूर्व मुखिया, वार्ड पार्षद, जिला पार्षद और जो पंचायत समिति प्रमुख जी वगैरह, इन लोगों ने भी बिना हेजिटेंसी के सबको मोटिवेट किया है। और यहाँ पे विशेष रूप से जो है धार्मिक जो गुरु रहते हैं उनके द्वारा भी जो बहुत सारे अपील की गई थी और उसका भी इम्पैक्ट है। और आप देखेंगे यूथ यहाँ पे ज़्यादा आगे आ रहा है और बनकटवा को देखते हुए अब पूरे पूर्वी चंपारण में एक इस तरीके से हो रहा है कि हमको पहले वैक्सीन दे दीजिए, और क्योंकि प्रायोरिटी हमको अर्बन एरिया और फ्लड अफेक्टेड एरिया को करनी है, तो उस हिसाब से हम प्लानिंग कर रहे हैं। और निश्चित जो है कि ये शुभ संकेत है पूर्वी चंपारण के लिए, और मैं समझता हूं कि स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार ने भी जो हमको मदद की वैक्सीनेशन के मामले में, उसके कारण से यहां पे जो है हम लोग ये टास्क कर पाए। आप देख सकते हैं घर में जाके भी कि रैंडमली चेक करने के बाद भी हमको यहां पे वैक्सीनेशन मिल रहा है, तो ये एक टीम वर्क का ही नतीजा है और आत्मविश्वास जो है इन लोगों ने दिखाया है अपने आप पे उसका नतीजा है। एक चीज़ और यहाँ पे देखने को मिला सर, यहाँ पे जो तरीका रहा, ये जो सफलता के पीछे के जो तरीका रहा, जो इनका कार्य योजना रहा, एकदम बिल्कुल चुनाव मोड में, जैसा कि लोग कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ता है उसी तरीका उसी रणनीति के तहत यहाँ पे काम हुआ। तो एक मतलब कि एक दूसरे का सहयोग था, जनप्रतिनिधि थे, सभी धर्म के समुदाय के लोग थे, वो डीलर हो, जीविका हो या आंगनबाड़ी सेविका सहायक, हर तबके के लोग थे। तब वैसा ही कुछ अन्य अनुमंडल अन्य ब्लॉक में भी कुछ किया जाएगा जिला स्तर पर, ऐसा कुछ
यहाँ का जो तरीका था उसका इम्प्लीमेंट किया जाएगा? एकदम जो है, यहाँ पे SDO साहब है, इन्होंने एक्चुअली इसमें इन्वॉल्वमेंट लाया था, जैसे कि यहाँ के शिक्षक लोग हैं हमारे, यहाँ के आंगनबाड़ी के सेविका सहायिका है, जीविका के दीदियों के ग्रुप्स है, यहाँ के हमारे डीलर्स है PDS के, यहाँ पे जो है हमारे इवन छोटे छोटे किराना माल के व्यापारी भी जो है, इन लोगों ने भी आगे आके ये लीड लिया था कि हम लोग करेंगे। आपको जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग था और स्थानीय लेवल पे MOIC, BDO, CO, CDPOs, इन लोगों ने भी काफ़ी मेहनत की है, BPMs और पार्टनर एजेंसीज हमारे जो है। तो ये तरीका सभी ब्लॉक्स में अपनाया जा रहा है। अभी जो है प्रायोरिटी में रक्सौल, मोतिहारी शहर, उसके बाद पिपरा कोठी भी बहुत क्लोज आ गया है सैचुरेट होने के, तो ये लोग भी इसी तरीके इसी मॉडल पे अपना अनुकरण कर रही है। तो निश्चित इन्हीं यही पथदर्शक बना हुआ है बनकटवा जो ब्लॉक है हमारा, एक गौरव की बात है हमारे जिले के लिए भी कि ये सर्वप्रथम जो है सैचुरेट हुआ है। फर्स्ट डोज की बात हम करते हैं इनहेबिटेंट्स की, तो उसके लिए कुछ लोग बता रहे हैं सर कि देश का भी पहला प्रखंड है, तो ऐसा कुछ कंफर्म हो पाया फिर अभी बिहार का ही पहला प्रखंड है ये? हम लोगों का काम है वैक्सीनेट करना और रिपोर्ट जो है संबंधित विभाग को देना और ये एनालिसिस जो है सरकार के स्तर पर किया जाएगा। बेसिक उद्देश्य है कि लोगों को सिक्योरिटी देना, ये कोई रेस नहीं, हम तो चाहेंगे कि जल्द से जल्द पूरा देश जो है हमारा वैक्सीनेटेड हो, और अगर प्रथम है अपने राज्य में या देश में तो निश्चित ये गौरव की बात है, और हमारे लिए तो बहुत ही गौरव की बात है कि इन लोगों ने जो है खुद आके ये कहा कि ये, इसमें आप देख रहे होंगे कि हमारा भी बहुत कम बार यहाँ आना हुआ है, लेकिन स्थानीय जो पदाधिकारी हैं इन्होंने काफ़ी लीड लिया और लोगों ने भी काफ़ी लीड लिया, तभी ये संभव हो पाया है, तो गौरव की बात है हमारे लिए अगर ये देश में भी प्रथम आता है तो। सैनिक, अंतिम सवाल, सूबे के स्वास्थ्य मंत्री ने यहाँ के लोगों को धन्यवाद दिया है, बधाई दिया है, धन्यवाद दिया, उसके बाद फिर आप भी आए हैं, आप भी धन्यवाद दे रहे हैं, तो धन्यवाद और आभार में क्या व्यक्त कर रहे हैं सर? देखिए, ये एक इनफॉर्मल क्रॉस वेरिफिकेशन ड्राइव था, आने का औचित्य यही था कि क्या रिएक्शन है, मतलब रैंडमली देखे हम तो ऐसे लोग नहीं मिले हमको कि जो ज़्यादा है, और WHO के डेफिनेशन में भी 80% से ज़्यादा हर्ड इम्यूनिटी आती है अगर वैक्सीनेशन आप दे देते हैं, तो यहाँ हमको लग रहा है कि 99% जो है ऑलरेडी यहाँ पे हो गया है, और कुछ माइग्रेटेड लोग रहते हैं वो भी ज़्यादातर अर्बन एरियाज में ही है, तो इन लोगों से भी संपर्क किया जा रहा है और वो भी जो है अपने अपने मुंबई हो, दिल्ली हो, बैंगलोर हो, यहाँ पे जो है अपना वैक्सीनेशन ले रहे हैं, तो फर्स्ट डोज के तर्ज पे जो है यहाँ पे निश्चित ये वैक्सीनेशन हुआ है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, माननीय हमारे जो सम्मानित प्रधान सचिव है उनको भी, और भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 6 माह में 6 करोड़ टीका और पूरे बिहार को वैक्सीनेट करने का जो अभियान चला है, एक्चुअली उसमें खरेरा बनकटवा ब्लॉक उतर गया है, तो ये निश्चित जो है आभार व्यक्त करने के लिए ही हम यहाँ पे आए हैं, और इन लोगों को शतशाह प्रणाम भी और आभार भी जिला प्रशासन पूर्वी चंपारण की ओर से, थैंक यू, धन्यवाद। देखिए, अभी मोतिहारी के जो DM है यहाँ पे ग्रामीण इलाकों में घूम करके, बनकटवा में घूम के आभार व्यक्त कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं उनकी जागरूकता को कि किस प्रकार से वो जागरूक होकर के वैक्सीनेट हुए हैं, एक दूसरे को ना सिर्फ प्रोत्साहित किए हैं, जागरूक किए हैं, बल्कि अपने परिवार के लोगों को भी निकाल कर लेके गए हैं और खुद अपने परिवार को वैक्सीनेट किए, तो कह सकते हैं कि मोतिहारी का जो बनकटवा प्रखंड जो बिहार का पहला प्रखंड बना है वैक्सीनेशन में, उसके पीछे की वजह जिलाधिकारी का सफल नेतृत्व, उसके बाद मार्गदर्शन, उसके बाद सिकराना SDM का कमान संभालना, हर तबके के लोगों की सहभागिता, उसमें बढ़ चढ़ के सहभागिता और खास तौर पे गुनिया खातून जैसी वार्ड पार्षद की सहभागिता, जिसकी वजह से जो एक खास समुदाय में जो डर था, एक संशय था, उसे दूर किया गया, ये सब कुछ संभव हो पाया, और अंत में आज मोतिहारी के जिलाधिकारी खुद इस गाँव के गलियों में घूम रहे हैं, इस बनकटवा प्रखंड के हर पंचायत में जा रहे हैं और लोगों को धन्यवाद दे रहे हैं कि आप ऐसा ही जागरूकता दूसरे डोज के लिए भी बनाए रखें। बनकटवा प्रखंड की तरह ही बाकी जगहों पर भी टीके की मुहिम इसी तरह जोर पकड़ ले तो वो दिन दूर नहीं जब महामारी दम तोड़ देगी, बस जरूरत जिद ठानने की है और जंग को आखिरी मुकाम तक पहुंचाने की है। पंकज कुमार, Zee Media, मोतिहारी।